कचरा वेचता वेचता झालं आयुष्यच सोनं, भिकारी ते कुशल कामगार असा घडला प्रवास। लक्ष्मी मुंबईत रस्त्यांवरून आणि घरातून कचरा वेचण्याचं काम करते। यापूर्वी घरोघरी पडेल ते काम करणारी लक्ष्मी कधी रस्त्यावर भिकही मागायची, मात्र आता कचरा वेचून लक्ष्मी दर महिन्याला 15 ते 20 हजार रुपये कमावते। लक्ष्मी सारख्या जवळपास 250 लोकांना हा कचरा वरदान ठरतोय। ही किमया साधली आहे जुहू मधल्या डिसेंट्रलाइज्ड गार्बेज सेंटर न। मेरा हस्बैंड था ना, जब ही उम्र गए ना, फिर मेरे पे भी काम करने का जी। कितना कमा लेती है महीने का? मैं 10 हजार 12 के ऊपर कमा रहा। परिवार चला पा रही है इस काम से? जी परिवार चलाते, घर सब उसमें, बच्चे लोग पढ़ाई किड़ाई सब। 12 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2002 मध्ये रांगिणी जैन यांनी महापालिकेकडून 500 स्क्वेअर फूट जमीन भाड्याने घेतली। अशा प्रकारे कचऱ्यातून आयुष्य घडवण्याचा हा प्रकल्प सुरू झाला। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 लोगों की जिंदगियां चलती हैं और सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत मतलब हाइजीनिक वे से रहे। यहाँ 70 साल की भी ओल्ड लेडी है जिसे लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। आज ओल्ड लोगों को बोलते हैं नहीं ठीक है बैठी रहो, आज वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद अच्छा 10 हजार से 12 हजार रुपए कमा रही है। 15-16 हजार कमाते हैं। और घर में कौन कौन है, कैसे आपका घर, आप खुद चला रही है? आदमी काम कर रहे हैं वचमन का, मैं ये काम कर रहा है। अच्छे से रोजी रोटी कट रही है? अच्छा अच्छे रोजी रोटी कर रहे हैं। या कचऱ्यामुळे गरीब कचरा वेचकांचं आयुष्य सुधारलं, सोबत जुहू भागातले रस्तेही आणखी चकाचक झाले। नक्कीच महापालिका प्रशासनाला ह्यामधून शिकण्यासारखं आहे। कविता शर्मा, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।